झालावाड़ में एक और कोरोना वायरस के चलते व्यापारी मोल भाव करने के बाद भी संतरे नहीं खरीद रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बेमौसम बरसात का कहर किसानों के लिए आफत बनकर आया। झालावाड़ जिले के सुनेल, भवानी मंडी, पिड़ावा सहित दर्जनों गांव में किसानों की स्थिति कमोबेश यही है। बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। सरपंच प्रतिनिधि प्रेम पाटीदार ने बताया कि हमारे गाँव में किसानों को काफी नुकसान हुआ है। खेतों में संतरों का ढेर तो लग गया, वहीं अन्य फसलों को भी काफी नुकसान हुआ। किसान बजरंग लाल पाटीदार ने बताया कि साल संतरे की पैदावार बहुत अच्छी हुई है, लेकिन लॉकडाउन के चलते व्यापारियों ने माल खरीदने से मना कर दिया। हालांकि ये केवल कड़ोदिया गांव के संतरा किसानों की कहानी नहीं है, बल्कि जिले के दर्जनों गांव की यही स्थिति है। आज हमारे गांव में काफी किसानों का नुकसान हुआ है अनावश्यक वर्षा के कारण, जिसमें आंधी तूफान भयंकर चली है, जिसमें लगभग 10-12 किसानों के संतरे के पौधे आए हुए थे अच्छी तरह से, जिनमें हवा के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। किसान मायूस है इस जगह पे। यहाँ पे धनिया, चना, गेहूँ और कलौंजी, अलसी, इसबगोल बहुत सारी फसलों में काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसमें इसबगोल की फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तो कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए अलवर में भी प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। यहाँ पुलिस प्रशासन की ओर से मुख्य